गाइस मैंने एक पैन में एक देश्चे में जो है वो ऑयल गरम कर लिया अच्छी तरह से। आप देखें ऑयल जो है वो अच्छा सा गरम हो गया। इसमें थोड़ा पानी था इस वजह से ये जो है इसके अंदर से ये निकल गए। इसमें हम जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो सफ़ेद जीरा है इसमें डाल दिया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है। प्याज को इसमें जो है वो हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज डालने से जो इसके अंदर जो बबल्स बन रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये देखें ज़रा प्याज जो है वो हमने गोल्डन फ्राई करना है। तो गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब ये प्याज देखें गाइस कितना अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो गया है। इसमें हम जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तो मेरे पास जिंजर पाउडर है तो 1 टेबल स्पून के बराबर जो इसमें मैं जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो गार्लिक पाउडर भी है, हम इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। तो गाइस ये आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर और जिंजर गार्लिक जो है वो गार्लिक पाउडर जो है वो डाला है। अभी ये देखें इसके बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना है। मैं इसको 1/2 टेबल स्पून के बराबर ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ी सी इसमें और ऐड करूँगी। ये देखें 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो सॉल्ट भी इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ। सॉल्ट इसमें मैं 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये देखें अब हम इसमें दही डालेंगे। दही मैंने ली है 4 टेबल स्पून के बराबर। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखो बच्चों के लिए मुझे बनाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। तो अब हम इसमें ये कुछ मेरे पास ये चिकन के ये जो है वो गर्दन है तो बच्चों के लिए मैंने कहा थोड़े टेस्टी बन जाएंगे। तो इसको सिर्फ टेस्ट के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें पोटैटो भी ऐड करने हैं हमने। तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं अच्छा सा। इसको हम इसमें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 5 मिनट के लिए तकरीबन। फ्राई करने के बाद इसमें हम पोटैटो ऐड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से जो है वो फ्राई हो गई हैं ये चिकन की जो गर्दन है मुर्गी की वो मैंने ली है। तो अभी ये फ्राई हो गई है अच्छी सी। अब हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। 5 मिनट तकरीबन मैंने इसको फ्राई किया है। अब हम इसमें पोटैटो ऐड कर देंगे। ये मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर इसको मैंने काट लिया है। इसको इसमें हम अच्छा सा फ्राई करते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार सा मसाला इसका लग रहा है। ग्रेवी आप देखें कितनी अच्छी लग रही है। ये इसका कलर कितना अच्छा आया। इसको भी हम तकरीबन 3 मिनट तक 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करते हैं इसमें। अब हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। ये कुछ साबुत हरी मिर्चें थी मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 अदद हाथी वाली हरी मिर्चें। ये देखें तो फ्राई करते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके चावल डालेंगे इसमें। तो मसाला देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है हमारा। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे पहले से, तो अभी इसमें मैं चावल ऐड करती हूँ। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें 1/2 घंटे से इसको मैंने भिगो के रखा था। ये तकरीबन 2.5 गिलास के करीब चावल है।
ढाई गिलास चावल है। अभी हम इसमें तकरीबन 5 गिलास के बराबर जो है वो पानी ऐड कर देंगे, साइड्स में से सारे निकाल लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें पानी ऐड करते हैं। तो मैंने ये नाप के जो है वो पानी रखा हुआ है 5 गिलास के बराबर, तो 5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, 5 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम ढक कर बनाएंगे, चावल पक जाएंगे। इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं, 10 मिनट बाद इसको हम चेक करते हैं। इसको ढक देते हैं, 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखिए मैंने ढक दिया इसको, 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये देखें 10 मिनट गुजर गए हैं, अब हम इसको देखते हैं। वाओ कितना ज़बरदस्त जो है इसके अंदर धुआं उठ रहा है। ये देखें कितने अच्छे राइस लग रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो गाइस अभी हम इसको चेक करते हैं, बहुत अच्छे से जो है वो राइस बनकर तैयार होगी। ये देखिए इसको चेक करते हैं अब। ये देखें कितने मज़ेदार से जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। कैसे लग रहे हैं गाइस आपको ये, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से जो है वो तैयार हुए हैं, ये देखें गल गए हैं काफ़ी अच्छे से। ये देखें बहुत अच्छे से राइस तैयार हो गए, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइज ये चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख रहे हैं किस तरह के कितने मज़ेदार से डिश हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं, बच्चों के लिए बनाए हैं, तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चावल तो सबको ही पसंद होते हैं, बच्चे हों बड़े हों सब चावल शौक से खाते हैं। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी जो नोटिफिकेशन है जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको पहले मिलेगी गाइज। तो प्लीज़ बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहले मिल सके। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।